वीडियो स्टार्ट है कब है बताया जाए तेरे को साले का खोपड़ी तोड़। तो गाइस यार ये स्ट्रीम को रखते हैं, थोड़ा सा कैमरामैन को देते हैं, उसके बाद मैं इंट्रो आपको देता हूँ। ये कैमरामैन ले लो। प्रचार नहीं कर रहा था, मैं अपना प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा हूँ। आज मैं क्या बनाने वाला हूँ वही आपको बताने वाला हूँ, तो कैमरा मैन देना। अरे कैमरा मैन स्टीम नहीं दे, मैं स्टीम का प्रचार नहीं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ अपना प्रोडक्ट का प्रचार जो हमने बनाया है। जल्दी दे और ये ले। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमने लिया है ये ड्रिल मशीन, जो कि काफी छोटा सा मिनी ड्रिल मशीन है और काफी ज्यादा पावरफुल है। इसे मतलब छोटा छोटा प्रोजेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हो, और इसे मैं खुद अपने हाथ से बना। चल झूठा, देख सकते हैं देखने में काफी ज्यादा मस्त और अमेजिंग लग रहा है। और यहाँ से देख सकते जैसे यहाँ पे प्रेस करेंगे काफी मस्त तरीका से ये चलता है। तो आज की इस वीडियो में इसी को हम बताने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो कैसे कैसे इसे बनाएंगे आज इस वीडियो में पूरा आपको बताने वाले हैं। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज जरूर से फॉलो कर लेना, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए फिर चलते इस वीडियो के अंदर, देखते हैं इसका पूरा फुल मेकिंग वीडियो, इसे कैसे कैसे बनाते हैं। तो जय हिंद, चलिए चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चले गए इस वीडियो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको लेना होगा कुछ इस टाइप का पीवीसी का पाइप, देख सकते हो ये बिजली फिटिंग का दुकान पे आराम से मिल जाएगा गाइस। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इसका डायमीटर मैं बता दूँ, इसका लंबाई तो यहाँ पे देख सकते हो 18 सेंटीमीटर का इसका लंबाई है गाइस। उसके बाद हमको लेना होगा कुछ यहाँ पे मोटर, कुछ नहीं एक मोटर यहाँ पे देख सकते हो, गियर मोटर है ये लंबा वाला गियर मोटर है। ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा, आराम से मार्केट में, लोकल मार्केट में या ऑनलाइन भी ले सकते हो, मेकर बाजार पे आराम से इसको ये 150 रुपये में आपको मिल जाएगा लोकल मार्केट में, और सस्ता भी मिल जाएगा। तो उसके बाद गाइस हमको लेना होगा यहाँ पे एक देख सकते हो पुश स्विच, जो कि कुछ इस तरह से काम करता है, इसका आवाज सुन सकते हो आप गाइस। उसके बाद यहाँ पे लेंगे हम यहाँ पे एक चार्जिंग मॉड्यूल देख सकते हो, ये भी नया है, हमने मेकर बाजार से इसको मंगाया हुआ था। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये एक ड्रिल चेक, यहाँ पे देख सकते हो ये एक ड्रिल चेक है, जो कि कुछ यहाँ से देख सकते हो ये निकल जाता है, और ये पूरा मतलब पैकिंग ही मिलता है, इसको आराम से इसमें आप लगा दोगे, देख सकते हैं काफ़ी मस्त तरीका से ये लग गया। उसके बाद गाइस इसी सबको मिला के, और उसके बाद हम लेंगे एक बैटरी जो कि लिथियम आयन बैटरी है, देख सकते हो यहाँ पे, और ये गाइस दिखा दूँ तो यहाँ पे 2000 mAh का है, 18650 लिथियम का बैटरी, काफ़ी मस्त है। चलिए इसी सबसे बनाएंगे और वायर लगेगा, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हम स्विच लेंगे, और गाइस ये जो स्विच है इसको हमको क्या करना होगा, लगाना होगा हमको इसमें। तो चलिए फटाफट से देख सकते हो यहाँ पे हमने मार्किंग कर रहा था, तो चलिए फटाफट से इसी मार्किंग के हम काट लेते हैं कुछ इस तरह से, आप वीडियो में बने रहो। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी मस्त तरीके से कटिंग हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरह से इसमें लग जाएगा, बढ़िया से देख सकते हो लग जा रहा है, और यहाँ पे देख सो काफ़ी मस्त तरीका से ये लग जा रहा है गाइस। इसको मतलब हमको पूरा नीचे लगाना होगा कुछ इस तरह से, उसके बाद ये काफ़ी मस्त तरीका से वर्क करने लगेगा, देख सकते हो नहीं बुझा रहा है, तो इसी तरह से हमको लगाना है। उसके बाद इसमें हमको क्या करना है गाइस, ये जो मोटर है इसको कुछ इस तरह से सेट इसमें करना होगा, उससे पहले हमको ये इस साइज का गोलाकार कटना होगा, तो चलिए फटाफट से मैं कट कर लेता हूँ। तो गाइस यार यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे 3 गोला कट कर लिया है, देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा छोटा होल है 2, और यहाँ पे देख सकते हो 2 सेम होल है यहाँ पे देख सकते हो। तो ये 3 होल हमने किस लिए किया, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मोटर, जो ये मोटर है ये कुछ इस तरह से इसमें लग जाएगा एक बीच में, यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे बीच में लग जाएगा एक हमारा जो है ये वाला, ये लग जाएगा मेरा यहाँ पे बॉडी में इसका, देख सकते हो यहाँ पे बॉडी में, और जो गाइस लास्ट वाला ये है ये वाला
तो ये मेरा लग जाएगा यहाँ पे देख सकते हो, जो चार्जिंग पिन है ये कुछ इस तरह से इसमें लग जाएगा। देख सकते हो काफ़ी मस्त कटिंग हो चुका है, ये कुछ इस तरह से लगेगा। और जो होल है ये जो LED है होल से लग जाएगा, तो काफ़ी मस्त ये हो जाएगा। तो हमको आज एक ठो लेना होगा। और देख सकते हो यहाँ पे जो मोटर है इसमें हमको कुछ इस तरह से लगा के बढ़िया से इसमें गज बैठा देना होगा। तो देख सकते हो ये काफ़ी मस्त तरीका से गज ये बैठ चुका है देख सकते हो। और गाय ये काफ़ी टाइट है देख सकते हो, ये कल भी नहीं रहा है। तो हमको इसी तरह से बैठा के और हल्का सा यहाँ पे फेविकिक चुरा देना होगा। और गाय ध्यान रहे ये गियर में ना जाए वरना मोटर जो है आपका जाम हो सकता है। तो चलिए मैं फटाफट से बढ़िया से इसको चिपका देता हूँ। और गाय आपको जो फेविकिक लगाना है काफ़ी ध्यान से देख सकते हो, कुछ इस तरह से आपको हल्का हल्का मतलब बढ़िया से लगाना है, वरना गाय अगर भीतर चल गया तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है। तो आप बढ़िया से पहले ध्यान से अपना लगा लेना, देख सकते हो जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो काफ़ी मस्त तरीके से ये चिपक चुका है। उसके बाद हमको क्या करना होगा गाइज, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो दोनों बगल में हमने चिपका दिया और देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। देख सकते हो लग रहा है बिल्कुल चक्का की तरह, देख सकते हो आप इसे चक्का की तरह भी यूज कर सकते हो कुछ इस तरह से। वाह गाइज देख सकते हो काफ़ी मस्त ये लग रहा है। तो यहाँ से मैं दोनों इस यहाँ पर भी चिपका दिया और यहाँ पर भी देख सकते हो दोनों बगल में मैंने चिपका दिया है इसको, और काफ़ी मस्त तरीके से ये चिपक चुका है। उसके बाद हमको गाइज क्या करना होगा, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन पूरा हो चुका है, देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। और गाइज यहाँ पे डायरेक्ट मोटर से मतलब बैटरी से मोटर को निकाल देना है, यहाँ चार्जिंग मॉडल में मत लगाना वरना नहीं चलेगा उतना रेस में। यहाँ पे देख सकते हो जैसे यहाँ पे ऑन करेंगे तो देख सकते हो काफ़ी मस्त तरीके से चल रहा है। उसके बाद गाइज हमको फटाफट से क्या करना है, इस PVC पाइप में इसको कुछ इस तरह से हमको डाल के बाहर की तरफ निकाल देना होगा। और गाइज ये जो स्विच है इसको हमको यहाँ पे यहाँ से निकाल देना होगा। तो चलिए फटाफट से मैं निकाल देता हूँ। तो गाइज उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हमने लगा दिया है, अभी चिपकाया नहीं है। तो चलिए फटाफट से मैं ग्लू गन से बढ़िया से चिपका देता हूँ। आप वीडियो में बने रहो। गाइज यहाँ पे देख सकते हो काफी मस्त तरीके से हमने चिपका दिया, देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। अब गाइज यहाँ पे हमको क्या करना होगा, एक टुकड़ा लेना होगा PVC का सीट का, हमने पहले नहीं काटा हुआ था, अब मैं काट के और इसमें लगा दूंगा बढ़िया से ऊपर से। उसके बाद गाइज यहाँ पे हम लगाएंगे ये वाला ड्रिल बिट, चलिए फटाफट से मैं कर लेता हूँ। तो गाइज यार यहाँ पे देख सकते हो बन के तैयार हो चुका है, चलिए फटाफट से इसको हम लगाते हैं इसमें। तो कुछ इस तरह से पहले हमको खोलना होगा गाइज, और यहाँ पे लगाएंगे हम ये वाला कुछ इस तरह से गाइज। उसके बाद हमको क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे एलेंकी दिया हुआ है इसको बढ़िया से इसमें हमको कस देना होगा। तो चलिए फटाफट से पहले मैं बढ़िया से कस लेता हूँ। तो देख सकते हो काफ़ी मस्त टाइट से हम कस चुके हैं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो काफी मस्त तरीके से बन के तैयार हो गया। चलिए यहाँ पे देख सकते हो चार्जिंग पिन हमने ले लिया है, तो चलिए फटाफट से इसको लगाते हैं चार्ज में। तो देख सकते हो काफी मस्त तरीके से जो LED है वो ग्लो कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही पूरा फुल चार्ज होगा ब्लू कलर का जो LED है वो ग्लो हो जाएगा। चलिए फटाफट से हल्का सा इसको टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हो जैसे यहाँ पे टिपेंगे काफी मस्त मेरा चलना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए पहले लेते हैं यहाँ पे PVC का सीट और देखते हैं इसको चला के। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो काफी मस्त तरीके से होल जो है वो कर दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा थरथरा रहा है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा वाइब्रेशन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो हल्का सा आपको टेढ़ लग रहा होगा, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ करना है हल्का। ये जो मेरा है ये जो है थी बीट ये टेढ़ा है, इसलिए थोड़ा सा मतलब अर्थिंग कर रहा है, हील्ड होल्ड कर रहा है। तो आपको एकदम मतलब बढ़िया वाला ये लेना है, ये मुझे लोकल मिल चुका है देख सकते हो। तो ये जो है मतलब ये जो ड्रिल बिट है ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा अर्थिंग कर रहा है मतलब वाइब्रेशन कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। देख सकते काफ़ी मस्त तरीके से ये होल कर दे रहा है। चलिए एक बार फिर होल करके देखते हैं इसमें। तो देख सकते काफ़ी मस्त तरीके से ये होल गाइज कर दे रहा है। चलिए थोड़ा सा कुछ और में टेस्ट करके देखते हैं।
तो चलिए गाइस थोड़ा सा देखते हैं प्लाई में खोल करके कैसा ये कर रहा है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस देख सकते हो काफी मस्त तरीका से ये होल कर दे रहा है यहाँ प्लाई में भी। अब गाइस थोड़ा सा करके देखते हैं एमडीए बोर्ड में, क्योंकि प्लाई से काफी मजबूत होता है एमडीए बोर्ड। चलिए इसको भी थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं होल करके। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे एमडीए बोर्ड में भी काफी मस्त तरीका से होल कर दे रहा है। थोड़ा सा टाइम लिया बट काफी मस्त तरीका से होल कर दिया देख सकते हो। तो गाइस ये जो ड्रिल हमने बनाया है ये मतलब छोटा मोटा काम के लिए काफी मस्त ये ड्रिल मशीन होने वाला है और काफी ज्यादा पावरफुल भी होने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हो चार्जेबल है, तो इसको आराम से चार्ज करके अपने मोबाइल के चार्जर से इसको चला सकते हो चार्ज करके। तो देख सकते काफी मस्त ये लग रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा हम पेंट करते हैं। ऐसे ही मस्त लग रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसको पेंट कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। गाइस इधर से आप देखोगे तो थोड़ा सा जो मेरा ड्रिल बिट है देख सकते हैं हल्का सा इधर झुका हुआ टेर है, तो आप बढ़िया वाला ये ड्रिल चेक लेना। थोड़ा सा देख सकते हो यहाँ पे टेर है, तो आप बढ़िया अगर ड्रिल चेक लेते हो तो बढ़िया से आपका वर्क करने वाला एक ठो भी वाइब्रेट नहीं करने वाला है देख सकते हैं। यार यहाँ पे देख सकते हो काफी मस्त सामने पेंट करके ला दिया, देखने में लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट के तरह। देखो गाइस हम यहाँ पे ब्लैक कलर किए हैं और हल्का हल्का यहाँ पे जो छीटा है वो हमने मार दिया है सिल्वर कलर से, तो देखने में लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट के तरह। सच में बताओ ना भाई, लग रहा है ना मार्केट के तरह। अरे हाँ भाई हाँ। देखो यहाँ पे चार्जिंग पिन है, देखो गाइस लग नहीं रहा है कि मैंने यहाँ पे काटा हुआ है देख सकते हो, नहीं तो हर दिन से काटता हूँ तो अलग अलग हो जाता है, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन देख सकते हो परफेक्ट यहाँ पे कट चुका है, तो लग रहा है बिल्कुल मार्केट की तरह। आपने आपको मुगले आजम हम लोग का अनारकली समझता है बे, कितना मचा रहा है देख सकते हो। और गाइस काफी मस्त ये वर्क भी कर रहा है, मैंने वर्क काफी मतलब बार किया, पैर में भी होल किया तो काफी मस्त ये होल हो जा रहा था। और गाइस सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस टाइप का ड्रिल मशीन बना के छोटा मोटा काम कर सके। देख सकते हो गाइस काफी मस्त ये, वाह गाइस देखो अभी भी काफी मस्त ये वर्क कर रहा है। तो गाइस यार आपको ये मिनी ड्रिल मशीन कैसा लगा? देख सकते हो यहाँ पे काफी मस्त पैर में छेद कर चुका है, लगभग देख सकते हो तो इतना ही यहाँ पे छेद कर दिया है। और गाइस ये देख सकते हो जब पैर में छेद कर सकता है समझो क्या क्या में छेद कर सकता है, तू समझा नहीं। गाइस आपको ये ड्रिल मशीन कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज जरूर से फॉलो कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू दोस्तों, बाय बाय, जय श्री राम।